किया तो उसके कारण से भी, लेकिन ये किसी किसी का विचार था, ये नहीं कि यही कारण है। तो अवेयरनेस के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो कहीं भी लोग ले जाएं तो भूखे पेट न ले जाएं, इन सब चीजों के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया। अब यह एक संयोग की बात है और खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में कम घटना घटी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल नहीं घटी, और इस बार कुछ ज्यादा ही घटना घटी। तो इसने पूरे देश को और देश के बाहर के लोग भी इस बात को लेकर जरूर अब उसकी जानकारी लोगों को मिली है, तो सब तरफ से सचेत हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए और उन्होंने फिर एक टीम की संरचना की है और सब लोग इसके बारे में अध्ययन और एक एक चीज करेंगे। मैं तो उसके बारे में इन्होंने चर्चा कर दी है, मैं दो तीन बात रखना चाहता हूं। जो कुछ भी हमने यहां चर्चा की या पहले की भी जो रिपोर्ट्स रहती थी और उसके बारे में कि इसमें जो इसके विक्टिम है वो गरीब परिवार के लोग होते हैं, और आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, तो हमने ये उसी समय कहा था कि भाई इसके लिए हम लोगों को एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करना चाहिए। और उसके अगले दिन फिर हम गए थे और अगले दिन जाकर जितने भी बच्चे वहां भर्ती थे और उनके साथ उनकी मां या उनके कोई गार्जियन, हम एक एक लोगों से बात किया और एक एक बेड पर, एक बेड पर दो बच्चे क्योंकि बेड्स की कमी थी, और उसके पहले ये जानकारी मिली कि वहां पीकू का मात्र पीआईसीयू का 14 ही बेड है। तो उसी समय हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं उनको हमने कहा कि भाई इससे काम नहीं चल सकता, इसकी संख्या तो बढ़ा करके करना चाहिए। तीन लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और जो वहां जेल का वार्ड था, जेलर के लिए जगह थी एसकेएमसीएच में, उस जगह को हटा करके वहीं पर इन लोगों ने और ज्यादा पीआईसीयू की संरचना की और तेजी से उस पर काम किया। और फिर जो अगले दिन जो हमको इनसे बात पहले हुई थी और एक दिन हमने समीक्षा की यहां, और उस समीक्षा बैठक में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे, अगले दिन जब हम लोग वहां पर गए हैं और एक एक लोगों से हमने जो बातचीत की और सबका दृश्य देखा, बच्चों का, बच्चियों का, तो हमने जो वहां देखा तो मुझको लगा कि ये गरीब परिवार के बच्चे हैं और बच्चियों की संख्या ज्यादा है। और हम सबसे पूछे कि आखिर हुआ क्या था, और डॉक्टर्स भी बता रहे थे कब बीमार हुआ, कब आया और क्या हुआ, ये सारी बात वो लोग कर रहे थे, एक एक बात हमने देखा। तो वहां का दृश्य देखने के बाद जो मेरे मन में बात आई, और दूसरी बात है जब हम एसकेएमसीएच गए तो हम तो पहली बार गए थे, ये फैक्ट है, उसके पहले हमको जाने का अवसर नहीं मिला। वहां इस बीमारी से ग्रस्त लोगों का इलाज तो एक अलग हो रहा था, उसके लिए अलग जगह था, लेकिन बाकी लोग अपने इलाज के लिए जो एसकेएमसीएच जाते हैं तो हमने देखा उनकी संख्या भी बहुत थी। और हमने देखा कि भाई एसकेएमसीएच में जो मुजफ्फरपुर में है, इतनी बड़ी आबादी का जगह है और एक केंद्र बिंदु है, तो एक बात मुझको ये देखकर लगा। फिर हमने जानकारी ली कि भाई कितना बेड है, क्या है सब कुछ, और सबसे मिलने के बाद जब हमने बैठक की तो हमने फिर कहा कि भाई देखिए इसका सर्वेक्षण सबसे पहले जो इस बार के विक्टिम हैं उनके परिवार को देख लीजिए, और इसके अलावे और विक्टिम्स को भी, और ये जिस किसी भी गांव के हैं। हमने वहां जानकारी चाहिए कि भाई एक गांव का कोई एक से अधिक आदमी हो, ऐसा कौन सा इलाका है, इससे ये पता चलेगा कि किस जगह पर और क्यों ये ऐसी बात हो जाती है। फिर उस समय जो सारे लोगों के साथ मीटिंग हुई तो केंद्र से भी टीम आ गई थी और वो लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, तो हमने उनको कहा कि इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बात को पूरी अच्छी तरह से देखिए कि आखिर किस परिस्थिति में ये बात आती है। और हमने अपने प्रशासनिक डिपार्टमेंट्स को कहा, और चीफ सेक्रेटरी भी थे, कि जो बात मैंने पहले कही है उसके हिसाब से पूरे तौर पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। आखिर ये पता चलेगा कि किस तरह का ये गांव है, उस गांव की क्या स्थिति है, और उसके जो गरीब लोग हैं जो इसके शिकार हो रहे हैं, उस परिवार की अब ऐसे कितने परिवार हैं जो ऐसी स्थिति में है। तो एक जो प्रारंभिक जितने लोग विक्टिम हुए, बीमार पड़े थे, और पूर्व में भी जो बीमार पड़े उनके बारे में पूरी ये सर्वे कर रहे हैं। और हमने कहा कि अपनी तरफ से इसमें जीविका समूह को शामिल कीजिए,
आंगनबाड़ी सेविकाओं को शामिल करिए, ये सब लोगों को लेकर हर प्रकार से एक एक पूरी जानकारी आप प्राप्त करिए कि कहां क्या है। तो जो हमने वहां दृश्य देखा बीमार लोगों का, बच्चों का, बच्चियों का, उसमें हमको बच्चियों की संख्या ज्यादा लगी नंबर एक, और ये साफ लगा कि ये सब गरीब परिवार के लोग। तो वैसी स्थिति में जब हम लोग हर गांव के विकास के लिए स्कीम्स बनाए हुए हैं, तो क्यों नहीं उस स्कीम का लाभ ये उठा रह पा रहे हैं, क्यों ऐसी स्थिति हुई? तो मैं यही जानकारी देना चाहता हूं कि इसका जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है वो डिटेल्ड है कि वैसे उन इलाकों में कौन कौन परिवार वंचित है। और अभी एक बात आ रही थी, एस्बेस्टस की बात कर रहे थे, हम एक बात जानकारी में दे देना चाहते हैं, ये एस्बेस्टस है बहुत फालतू चीज, और इस बात को तो हमारा व्यक्तिगत रूप से विचार आप जान लीजिए, लेकिन कोई प्रतिबंध नहीं है। हमने तो सरकार के काम में एस्बेस्टस मत लगाइए, ये बहुत पहले अपने फर्स्ट टेन्योर में ये बातें कही है। और एक जगह कोई एस्बेस्टस के लिए इंडस्ट्री लगा रहा था, और जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के माध्यम से जो सहायता मिलती थी, तो उसका प्रस्ताव उसको सहायता देने का मेरे पास आया हुआ था, और एस्बेस्टस की फैक्ट्री लग रही थी जहां तक मुझे याद है। ठीक, माननीय मुख्यमंत्री का रेस्पॉन्स समाप्त होने तक सदन के कई कालावधि बढ़ाई जाती है। तो वो एस्बेस्टस का जो वो फैक्ट्री लगा रहा था, इसको लेकर वहां पर कुछ लोगों ने विरोध प्रकट किया था, और जो विरोध प्रकट करने वाले थे वो मुझसे मिलने आए थे। जब मुझसे मिले, उनकी बात हमने मुझे जानकारी मिली, हमने कहा ये तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद हमने विभाग को निर्देश दिया और औपचारिक रूप से निर्णय लिया कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत हम एस्बेस्टस का कोई कारखाना यहां लगाएगा या उसका काम करेगा, उसको किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। और नंबर टू, हम लोगों ने कहा कि भाई सरकारी चीजों में ये एस्बेस्टस का यूज मत करिए, बहुत फालतू चीज है, लेकिन लोग तो यूज करता है। देश में एस्बेस्टस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर सच पूछिए, जो पर्यावरण के बारे में मेरी सोच और समझ है, उसमें तो हम नहीं चाहेंगे कि एस्बेस्टस का उपयोग हो, लेकिन हम अपनी तरफ से उनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं, और सरकारी चीजों में हम इसका न करें। ये बात बिल्कुल सही कहा जो एस्बेस्टस के बारे में बोल रहे थे, हम तो उससे शत प्रतिशत सहमत है, वो एक अलग विषय। लेकिन इस बार जो कुछ भी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि वही रिपोर्ट आएगा, और उसके आधार पर जो हम लोगों ने स्कीम बनाई, आज क्यों झोपड़ी में भाई, जब ये बात तय हो गई प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अब वो हो गया, अब 1,20,000 रुपया एक घर को बनाने के लिए मिल रहा है, तो उसमें जो लोग भी वंचित रह गए थे उसके बारे में भी हम लोगों ने केंद्र सरकार से कहा। और दूसरी बात, चूंकि एसीसीसी से संबंधित वो था, लेकिन उसके अलावे बहुत लोग हैं गरीब लोग जो छूट गए हैं, तब हम लोगों ने कहा कि भाई जो ग्रामीण का विकास विभाग ने जो कुछ भी तैयार किया था लिस्ट, अगर उसके हिसाब से वहां से मंजूरी मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके अलावे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जो परिवार वंचित है उसके लिए हम लोगों ने दो चीज के लिए, एक तो जो उससे वंचित है मुख्यमंत्री आवास योजना, और दूसरा जो पुराने 96 से जो इंदिरा आवास बन रहा था, एक साथ आवास बन रहा था, अब वो जर्जर स्थिति में है, तो उसकी जगह पर उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए, दोनों काम के लिए हमने मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत कराई है, और उसके लिए भी 1,20,000 रूपये देंगे। अब जो ग्रामीण आवास योजना में जिन लोगों का नाम है, उसमें से बहुत लोग हैं जिनके पास अपनी जगह नहीं, तो उन लोगों को जगह खरीदने के लिए 60,000 रूपये की सहायता देने का भी हम लोगों ने कार्यक्रम बना दिया। तो ये दोनों काम से, अब इस पूरे सर्वे से उस पूरे इलाके में हम लोग, ये तो पूरे बिहार के लिए है, हम लोग ये देख लेंगे कि भाई ये वंचित रह गया है, तो सबसे पहले तो लोगों को ग्रामीण आवास के लिए, उनके आवास के लिए यह सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएंगे, नंबर वन, ये हम लोगों ने सोच लिया। दूसरी चीज है
एक कार्यक्रम हम लोगों ने और शुरू किया, सतत जीविकोपार्जन योजना। ये दो काम के लिए, एक तो वैसे लोग हैं जो बिल्कुल हाशिए पर हैं सरकार की योजनाओं की, उनको जानकारी नहीं है, उसका लाभ नहीं लेते हैं, उनको यहां तक कि राशन कार्ड भी नहीं है, ऐसे परिवारों को चिन्हित कर लिया जाए और उन परिवारों को चिन्हित करके उनको उन सारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। ये भी हम लोगों ने स्कीम बना दिया, स्कीम बना हुआ है। अब ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होगा तो एक तो सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ, और सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ यह होगा कि उसको कोई न कोई काम करने के लिए हम लोग 60,000 रुपया से लेकर 1,00,000 रुपए तक की मदद करेंगे, ताकि वो कोई भी काम करे, कोई दुकान खोल ले, कोई काम कर ले, गाय का पालन करे, कुछ भी करे, तो उसके लिए उसको प्रेरित करके। और इसके लिए हम लोगों ने जीविका समूह को लगाया। अरे भाई सुन तो लीजिए ना, अरे भाई इसके बाद सुनिए, सुन लीजिए इसके, ये सारी बात जरा जान लीजिए। ये काम करने वाला है। और एक तो हम आप लोगों को और बताते हैं, ये जो घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, बहुत ही हम लोगों के लिए चिंताजनक चीज है। और आगे हम बता देना चाहते हैं कि इस बार मुझको लग रहा है, चाहे मौसम विज्ञान विभाग जो भी कहे, मुझको लग रहा आशंका है कि भयंकर सूखा पड़ने वाला है। और इसके लिए हमको जितना करना, हम सब तैयारी कर रहे हैं। और हमने आग्रह किया है एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, आप में से बहुत लोग थे, कि एक तो अलग से सारे एमएलए और एमएलसी के साथ सभी संबद्ध विभाग के अधिकारियों को बैठा करके हम दिन भर उनके उनके क्षेत्र की स्थिति को जानकर, उनके विचार को जानकर, आगे भी कुछ नहीं हो, अभी एक घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन जो स्थिति मौसम की हो रही है उसमें क्या कल होगा, नोबडी नोज, कोई नहीं जान रहा, बहुत भयंकर स्थिति है। तो इसलिए कृपा करके जो बात हम कह रहे हैं उसको सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो प्रतिक्रिया देनी हो आप प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। तो इसके माध्यम से, इस तरह की स्कीम्स के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि सबको जो सहायता मिलती है सरकार की तरफ से वह मिले। आखिरकार वह गरीब आदमी को घर क्यों नहीं, घर क्यों नहीं, इसका मतलब है कि वो न इंदिरा आवास से लाभान्वित था, न आज की नई योजना से लाभान्वित था। तो अगर सर्वे करके जब तक पहचान नहीं हो जाएगी, और सिर्फ जो प्रभावित हुए हैं वही परिवार नहीं, बाकी अन्य परिवार हैं, आज एक परिवार प्रभावित हुआ है, कल कोई दूसरा परिवार प्रभावित हो जाएगा, इसलिए सबके लिए करना पड़ेगा पूरे तौर पर। और जो स्कीम हम लोगों ने रखी है, और इसके अलावे भी हम लोगों को ऐसे परिवारों को बिल्कुल गरीबी से निकालकर आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि एक भी परिवार इस तरह से हाशिए पर नहीं रहे। इतनी बात हम लोगों को समझ में आई है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं, और जीविका समूह के माध्यम से भी उसका सर्वेक्षण करवा रहे हैं। और जान लीजिए, जीविका समूह बनने से आज 8.5 लाख स्वयं सहायता समूह बना है, करीब करीब 1 करोड़ परिवार की महिलाएं जुड़ गई। और ये जीविका समूह की शुरुआत हमने की वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर, 6 जिले के 44 ब्लॉक से, अब पूरे बिहार में लागू है। 10 लाख स्वयं सहायता समूह का मेरा लक्ष्य था, आज अभी वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। हम तो चाहेंगे कि ये जितने परिवार हैं, अगर वो जीविका समूह से जुड़ी नहीं है तो उसको जीविका समूह से जोड़ेंगे। महिलाओं में जागृति जीविका समूह के माध्यम से ही हम लोगों ने लाने की कोशिश की है, और अगर जीविका समूह से जुड़ जाएंगी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाएंगी, तो उनमें बहुत चीजों की जानकारी और समझ होगी, उनमें जागृति आएगी, और इस जागृति के बदौलत ही आप उनको बता सकते हैं कि बच्चे को भूखे मत रहने दो, बच्चे को गंदी जगह पर मत रखने दो, बच्चे को साफ सुथरा रखो। ये कुछ भी बात करेंगे, ये सिर्फ सरकार की एजेंसी के माध्यम से हम लोग करना चाहेंगे, एक हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक पूरे तौर पर सामाजिक तौर पर इसके साथ जुड़ नहीं जाएंगे, तो जीविका समूह से इसलिए जुड़ रहे हैं, और उनको जीविका समूह से जोड़ेंगे, सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ। और कोई भी बात हो, हम वहां गए हैं, और इसके बाद जान लीजिए, जापानीज इंसेफ्लाइटिस तो होता है गया और कई जिलों में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गया की होती है, जो इस बार लू से लोग मर गए, बड़ी संख्या में लोग मर गए,
तो हम वहां भी गए और वहां भी जाकर के सब लोगों को देखा कि सारे लोग बुजुर्ग थे, बुजुर्ग थे। कई लोगों को देखा कि भाई ये जो शिकार हैं, आज उनका डेथ नहीं हुआ लेकिन उनका इलाज चल रहा है, कई प्रकार की बीमारियों के शिकार, ज्यादा उम्र के लोग, सबसे हम पूछ रहे थे, उनके परिवार के लोगों से भी पूछ रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस। और वहां पर जो हमने बात की उस लू को सबके लोगों से मिलने के बाद जो हमने चर्चा की लोगों के साथ बैठ करके, और सारे अधिकारी लोग मौजूद थे, उन सब लोगों से बातचीत की और हमने पूछा कि भाई जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं। उन लोगों ने बताया कि हम लोग इसके टीकाकरण का कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं, और उन लोगों ने बताया कि जो जिले हैं इसके अलावे 11 और जिलों में वैक्सीनेशन के लिए उन लोगों ने केंद्र सरकार के पास भेजा है, क्योंकि उसके वैक्सीनेशन के लिए जो मेडिसिन चाहिए वो केंद्र सरकार से आता है, जो वैक्सीनेशन का आता है, तो वहां भेज दिया और वो लोग उसको भेजेंगे। और ये पूरे बिहार के और जिलों में, हमने तो देखा कि भाई मात्र 4 जिला बचेगा, तो हमने तो वहीं पर सबको कहा कि भाई जरा उन 4 जिलों का भी ठीक से देख लीजिए, उन 4 जिलों में भी देख लीजिए, वरना पता चला कि हम बाकी सब जगह पर करवा रहे हैं और बाकी जगह पर हो गया, तो क्यों नहीं सब जगह करेंगे, तो उससे जापानीज इंसेफ्लाइटिस से बचेगा। और ये जो है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, कई तरह के लक्षण है, कई तरह की बीमारियां हैं, क्या है, लेकिन सिंड्रोम अभी तक उसको सिंड्रोम कह रहा है, अभी तक कोई निश्चित बीमारी तक नहीं पहुंचे हैं लोग, इस पर बहुत अनुसंधान कर रहे हैं। और जिस परिस्थिति में हुआ तो एक एक चीज का, यह बहुत ही गंभीर मसला है और हम सब लोगों के लिए दुखद है कि अगर ऐसे लोगों को हम पहले से ही बचा नहीं पाएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं, आप चाहे जितना भी काम कर लीजिए, अगर इस तरह की कोई घटना घट जाएगी तो मन इतना दुखित होता है, इतनी चिंता में डूब जाता है कि बहुत सारे काम भी प्रभावित होने लगते हैं, कि मन में वही बात रहेगी। और आज क्या है, सबके मन में वही बात है, तो अन्य काम भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसके बारे में उतनी ही चिंता है और इसके लिए सर्वे करा करके एक एक काम, और वही नहीं, ये तो मुजफ्फरपुर जिले की ही बात हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सभी इलाकों में, और उसी तरह से अन्य पूरे बिहार के एक एक गांव का देख करके। और हम लोग एक लक्ष्य निर्धारित कर देंगे, और बाजाप्ता अभी जो बजट का प्रावधान है उससे काम नहीं चलेगा, तो हम लाएंगे सेकंड सप्लीमेंट्री में लाएंगे कि इसके लिए हम लोगों को और इतना काम करना, और यह सबसे ज्यादा प्राथमिकता। हम जब तक लोगों की स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे, और सबसे बड़ी चीज है उसके रहने का जगह नहीं हो, उसके कुछ काम करने के लिए उसको कुछ हम सहायता नहीं कर सकेंगे, तो कोई उम्मीद करना। और उसको किसी तरह की बीमारी न हो, इसके लिए जो भी काम पहले करना है उसके बचाव के लिए करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत दुखद बात हुई है, और इस पूरे चीज को लेकर के हम लोग करते रहे हैं। नहीं, खैर ये एस्बेस्टस का हमको डिपार्टमेंट ने भेजा, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, एस्बेस्टस की फैक्ट्री जो कोई लगाना चाहता था, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, वही इसमें लिखा हुआ था। तो और जो भी करेंगे अच्छी तरह से, सब परिवार के बच्चों को जब तक हम आंगनबाड़ी केंद्र से नहीं जोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या बढ़ाई जाएगी, कन्या उत्थान योजना की अगर बच्ची पैदा होती है तो उसके लिए जो सहायता दी जाती है, ये सब काम, जीविका समूह से जोड़ना हमने बात किया, टॉयलेट तो सब में बनना ही है, और इस बार बापू जयंती के अवसर तक पूरे बिहार में हर घर में शौचालय का निर्माण करने का हम लोगों का लक्ष्य है, ये करना है। और इसके साथ जो हम लोग कर रहे हैं, हर घर नल का जल, स्वच्छ पानी पीने को हो जाए, और हम हर जगह कहते हैं अगर ये खुले में शौच से मुक्ति हो जा रहे, भैया जरा समझ लो बात, कुछ भी बीच में हो तो इधर कान में सुनिएगा ना, तो थोड़ा बहुत कभी कभी आप भी बोलिएगा नीचे, उसका असर पड़ेगा, वरना शौचालय बन जाता है और शौचालय में पखाना करने के बजाय लोग खुले में चला जाता है, पुरानी आदत है। ये समझाना पड़ेगा कि खुले में शौच से मुक्ति और पीने के लिए
स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी नहीं होगी। और हम प्रारंभ से सब लोगों के बीच में कहते हैं, तो इसलिए हर घर नल का जल नहीं, दो मिनट रुक जाइए, अरे इस बात को सुन ली, आपके प्रचार में गए थे, कितनी भाषण दिए थे, अभी नहीं। तो खुले में शौच से मुक्ति और हर घर नल का जल और स्वच्छता के प्रति अभियान, ये सारी बात इसके साथ जोड़ करके और जो भी इस स्कीम्स हैं, और एक एक का अभी देख लीजिए, अभी का तो रिपोर्ट कितना है, हमने तो लक्ष्य रखा संपूर्ण टीकाकरण। बिहार में कितना था भाई, पहले 20-25% के बीच में टीकाकरण होता था, अभी 84% से भी ज्यादा हो गया, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि टॉप 5 देश में जो ऊपर के 5 राज्य हों जिसमें संपूर्ण टीकाकरण का, और टीकाकरण अगर नहीं करिएगा तो कहीं ना कहीं प्रकार की बीमारियां गरीब बच्चों को हुई जाएगी जब टीकाकरण नहीं कराएगा, तो संपूर्ण टीकाकरण, तो इसको सब कुछ करेंगे। और आप जान लीजिए जो हमने श्रीकृष्ण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो देखा हमने, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मुझे इस बात की तकलीफ हुई है कि हम उसको पहले क्यों नहीं देखे थे, और वहां जाने के बाद ही उस समय हमने तय किया 600 कुछ का वो बेड है, हमने कहा कि इसको भी जैसे हम लोग नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को 2500 बेड का कर रहे हैं या IGIMS को 2500 बेड का कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल को भी 2500 बेड का करेंगे, और अभी इमीडिएट काम शुरू हो जाए और 1500 बेड का तो सबसे पहले इसको बना दे, उसके बाद आगे का। हमने वहां देख करके कई सुझाव हम देख करके आए और क्या क्या करना है, एक एक हॉस्पिटल ICU का, PICU की तो बात हो चुकी है, उस 100 का तो बन ही जाएगा, और इसके अलावा जो हम वहां गए थे गया में भी हमने देखा, गया का भी हॉस्पिटल हम नहीं जा पाए थे इसके पहले, हमने देखा है गया का हॉस्पिटल भी 1500 बेड का बनेगा, और इसके लिए भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, और उसके लिए DPR तैयार करके उसके लिए जो भी धनराशि की जरूरत होगी हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन हम सब लोगों के बीच में कॉन्शसनेस लाने के लिए, लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का उत्थान करना और इन सब चीजों के अलावे अवेयरनेस जागृति लाना, यह एक एक काम करना पड़ेगा, तभी हम भविष्य में ऐसी चीजों को से मुक्ति पा सकते हैं। हम तो नहीं पा सकते हैं, ये कुदरत का कौन सा खेल, क्या प्रभाव पड़ेगा, आप जरा बताइए, आजकल पानी कम पड़ रहा, अब वज्रपात हो रहा, खूब वज्रपात हो रहा, कभी कभी गौर से देख लीजिए, एक डॉक्टर तो वहां पर थे, उसने तो हमको एक विचित्र बात, हमने कहा काहे इसी इलाके में होता, तो वो तरह तरह की बात कर रहा था, तो हमने कहा कि भाई जरा इसको देख लीजिए, कह रहा कि 34 में जो अर्थक्वेक हुआ था उसके चलते यहां का इलाका जो अफेक्टेड हुआ उसके कारण कुछ हो रहा, खरीब के बारे में तो कोई नहीं जानता, यही बात है, लेकिन एक्सपर्ट्स की टीम तुरंत हम कंक्लूड कर दें, इसके बाद आप बोलिए ना, हम फिर बोलेंगे, आप कहिएगा फिर बोलेंगे, खाली सुन लीजिए, हम ये कहना, देखिए ये सरकार की चीज नहीं है, ये अवेयरनेस की चीज है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए हम प्रयास करेंगे, लेकिन कोई भी कोई दावा करेगा कुदरत के बारे में, जिस तरह से पर्यावरण में बिगाड़ आ रहा, अब साहब हमने नल का जल पहुंचा दिया, अवेयरनेस लाना, अबे नल का जल पहुंचा रहे हैं पीने के लिए स्वच्छ पानी ना, अब उसी पानी से भैंस धो रहा है, उसी पानी से बगल में अगर उसका कुछ है तो उसका पटवन कर रहा है, ये करोगे भाई तो ग्राउंड वाटर का लेवल कहां जाएगा, और एक बात जान लीजिए, अब ये पूरी दुनिया में क्राइसिस होने वाला, बिहार में भी क्राइसिस आ रहा, अब उन इलाकों का नीचे का जल स्तर गया है, भूजल स्तर का, अब आप सोच सकते हैं दरभंगा में, कोई सोच भी नहीं सकता था, तो ऐसी स्थिति है कुदरत का, हम तो एक बार आग्रह करेंगे इस विषय पर जो कहिए, लेकिन एक बार बैठिए सारे लोग हाउस के बाहर, सबको बैठाएंगे, पूरे दिन अपना अपना अनुभव बताइए, और जो स्थिति पर्यावरण की बिगड़ती चली जा रही है, लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा,
आप बिजली पहुंचा रहे हैं, आप बिजली पहुंचा रहे हैं तो बिजली की जो चीज जरूरी है उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अब तत्काल आप उसका और उपयोग करिएगा तो धीरे धीरे तो भाई पर्यावरण पर तो असर आएगा। वायु प्रदूषण का क्या हाल है? जिसके पास पैसा आ जाता है तुरंत खूब गाड़ी खरीदने लगता है, तो वायु प्रदूषण तो कई तरह की समस्याएं। देखिए हम लोगों को अवेयरनेस लाना पड़ेगा, अगर अवेयरनेस नहीं लाएंगे तो अलग अलग समय में अलग अलग इलाकों में अलग अलग ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आप उसके लिए सब लोग चिंता में पड़ेंगे। तो हम सब लोगों को संयुक्त रूप से चिंतित होकर अवेयरनेस लाने की कोशिश करनी पड़ेगी और क्या क्या करना चाहिए। आज जो जहां की घटना घटी है उसको देखते हुए उन इलाकों में और बचे खुचे हुए बिहार के हरेक गांव में इन सब योजनाओं का लाभ पहुंचा देने का हमारा संकल्प है, निश्चय है और आप सब लोगों का सहयोग चाहेंगे। और इसके मामले में जो कुछ भी हुआ है, हम लोगों ने ऐसे परिवार के परिजन के लोगों को जो लाभ देने की बात हम लोग सोच सकते हैं उन सब दिशा में हम लोगों ने निर्णय लिया है। और आज तो चूंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक डिटेल इन्होंने रखा है, आप स्वास्थ्य मंत्री की बात नहीं सुने लेकिन ये तो डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड का पार्ट होगा। हम हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना करेंगे, यहां भले ही नहीं सुने लेकिन कल जो आपका जाएगा उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद ये लगेगा कि क्या इसमें और कुछ करना चाहिए, उसके बारे में भी सुझाव दे सकते हैं। तो हमको इतना ही है और हम पूरे तौर पर और अध्यक्ष महोदय को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि ऐसे विषय पर जिसको लेकर हर आदमी चिंतित है उस पर बाकी कार्य को स्थगित करके आपने इस पर परिचर्चा कराई, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।